आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी सब्जी की रेसिपी जो हमारे घरों में नॉर्मली फ्रिक्वेंटली बनते ही रहती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका मिश्रा, वेलकम टू प्रियांस किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैबेज आलू की सब्जी। तो चलिए कैबेज आलू की सब्जी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सरसों, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, कटे हुए लहसुन। लहसुन को हम थोड़ा फ्राई होने देंगे। लहसुन फ्राई हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अनियन। अनियन को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। यहाँ पे अनियन थोड़ा पक गया है हमारा, अब हम इसमें डालेंगे हमारे कटे हुए कैबेज और आलू। इन सबको आपस में हम मिक्स कर देंगे। अब हम कैबेज और आलू को कवर करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारे कैबेज और आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी पत्ता गोभी को एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम इसमें कटे हुए ग्रीन चिली ऐड करेंगे। ग्रीन चिली हम इसमें ऐसे ही स्लाइस में कट करके डालेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। पत्ता गोभी और आलू थोड़ा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं यहाँ पे। अब हम इसमें हमारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब हम इन सभी को आपस में मिक्स कर देंगे। मसाले के साथ इसे हम 5 मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमारी कैबेज की सब्जी लगभग बन के तैयार हो गई है। इसमें हम ऊपर से डाल देंगे कटे हुए धनिया। तो ये हमारी कैबेज आलू की सब्जी बन के रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे कैबेज आलू की सब्जी बनकर रेडी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।